मैम आज GCO आई है बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने, तो व्हाट दिस इज अबाउट? तो यहाँ पे हम एक शॉर्ट स्किल डेवलपमेंट कोर्स करा रहे हैं जो इंग्लिश फॉर एम्प्लॉयबिलिटी हम इसे कह रहे हैं। तो इसमें हम कम्युनिकेशन के बहुत सारे रिस्पेक्ट्स में कम्युनिकेशन को अंडरस्टैंड करेंगे। स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग पे फोकस किया जाएगा, बट नॉट ओनली कम्युनिकेशन स्किल्स विद रिस्पेक्ट टू ग्रामर एंड लैंग्वेज एंड यू नो बेसिक ग्रीटिंग्स एंड सच थिंग्स, बट इसके अलावा बच्चों का ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट उस पर हम टारगेट कर रहे हैं कि बच्चे ये सीखें कि वेयर कैन दे एक्वायर द लर्निंग दैट इज़ नीडेड फॉर देम टू बी एम्प्लॉयबल, राइट? सो ये सारी चीज़ें, उनकी ग्रूमिंग, बॉडी लैंग्वेज ट्रेनिंग, ऑल ऑफ दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू फोकस ऑन टुडे। मैम कहीं ना कहीं हम देखते हैं, जो आपने बोला कि बच्चे जो है कहीं ना कहीं घबराते हैं जी स्पीकिंग टैक जी अबाउट, तो इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है पर्सनली? डेफिनेटली एट अ लोअर लेवल इफ़ यू लुक एट थिंग्स, सो द प्राइमरी थिंग दैट वी हैव टू टारगेट इज़ कि बच्चों में हेजिटेशन होता है बिकॉज उनको मौका नहीं मिला होता है कभी पहले बोलने का, तो उनके अंदर एक पहले से ही एक प्री कंसीव नोशन होता है दैट वी आर बीइंग जज्ड एंड समबडी इज गोइंग टू लाफ एट अस। सो इस कोर्स का एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि बच्चों के अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप किया जाए, उनको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो बार बार आगे आएंगे, बोलेंगे, दिल बी फेसिंग द कैमरा, दिल बी कमिंग फॉरवर्ड एंड स्पीकिंग, सो दैट बाय वर्च्यू ऑफ दैट दैट हेजिटेशन विल बी रिमूव्ड। मैं बच्चों को ये मैसेज देना चाहूँगी कि आजकल बहुत प्रैक्टिकल है कि आप स्किल्स पे फोकस करो और ना ही सिर्फ थ्योरी पे, तो जो प्रैक्टिकल पार्ट होता है लर्निंग का वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इफ़ यू डन समथिंग यू नो 20% ऑफ इट, 80% ऑफ इट शुड बी दी एग्जीक्यूशन। तो जम्मू कश्मीर के जो बच्चे हैं वो कहाँ लैक करते हैं कि उन्हें थ्योरेटिकली सब कुछ पता होता है लेकिन वेन इट कम्स टू प्रैक्टिकली एग्जीक्यूटिंग समथिंग उस चीज़ को लैक करते हैं। इसके लिए आपको स्किल्स पे फोकस करना चाहिए, योर कम्युनिकेशन स्किल्स, योर पर्सनैलिटी, इवन वेन वी टॉक अबाउट टेक्निकल स्किल्स, आप कोई भी टेक्निकल स्किल करें, प्रोग्राम डेवलप करें, वट एवर इट इज, द एग्जीक्यूशन पार्ट इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन जस्ट अक्वायरिंग द थ्योरी। आई हैव अ वन वेंचर, आई रन अ कंपनी, इट्स अ सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग कंपनी कॉल्ड थिंकस्टा, इट्स अ स्टार्टअप एंड इट वॉज अवॉर्डेड द एसोचैम स्टार्टअप ऑफ द ईयर अवार्ड इज वेल। सो दिस ट्रेनिंग, दिस कंपनी इज इन टू सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग, इसमें अगेन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, IT स्किल्स, अब रिसेंटली हम इसमें और मॉड्यूल्स ला रहे हैं जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी और ये सब चीज़ें। सो दिस इज़ वॉट वी आर ट्रेनिंग, वी हैव अ सेंटर एंड वी टीच, अपार्ट फ्रॉम दैट वी डू फील्ड ट्रेनिंग्स इन कॉलेजेस एंड कॉर्पोरेट सेक्टर। रिमोट एरियाज में जाते हैं? जी बिल्कुल, मुझे बहुत पैशन है रूरल स्पेसेस में काम करने का। सो समटाइम्स आई गेट प्रोजेक्ट्स वेर इन यू नो द गवर्नमेंट माइट सेंड मी टू अ रूरल कॉलेज और आई ऑल्सो पर्सनली लाइक टू टेक इनिशिएटिव, तो दूर दराज के कॉलेजेस में जाते हैं, उनको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, बेसिक स्किल ट्रेनिंग देने की कोशिश करते हैं। आज हम गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन में स्किल कोर्स शुरू करने जा रहे हैं जिसका टॉपिक है इंग्लिश फॉर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। तो जैसे कि हम जानते हैं कि इंग्लिश जो है लिंगुआ फ्रैंका है, हर जगह जो है वो एक लैंग्वेज है जो कि हर एक कंट्री में जो है बोली जाती है, और हमारे स्टूडेंट जो हैं हिंदी मीडियम के साथ इंग्लिश पे भी जो है एक्सेल करना चाहते हैं और करना भी चाहिए। तो उसके लिए हमने ये कोर्स डिज़ाइन किया है जो कि NSDC की टाइम मॉड्यूल पे ही बेस्ड है। तो स्टूडेंट जो हमारे, उनको हम ये एक अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं कि वो स्किल कोर्स को ज्वाइन करें और फर्दर जो भी उनका प्रोग्रेशन है करियर का उसमें उनको इस स्किल कोर्स से जो है पूरा बेनिफिट मिले। दिस इज़ द राइट टाइम क्योंकि फोर्थ सेमिस्टर के स्टूडेंट जो हैं अभी हमारे वो आगे जॉब मार्केट में जो है जाने वाले हैं, तो उनके लिए हम स्पेशली ये कोर्स डिज़ाइन किया है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो हमारी कोर्स कोऑर्डिनेटर हैं प्रोफेसर शालिनी राणा, वो पूरा ध्यान रखेंगे कि स्टूडेंट्स को जो भी रिक्वायर्ड है जॉब मार्केट के लिए वो सारा कुछ जो है इसमें कवर किया जाएगा।
और स्टूडेंट से फीडबैक लेके जो भी इसमें फर्दर इम्प्रूवमेंट हो सकती है उसको भी हम करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका कि ये जो कोर्स है इससे हम जो स्टूडेंट्स हमारे जो हैं, जैसे यहाँ पे जो कि मेरिट बेस्ड बच्चे होते हैं और पूरे जम्मू डिवीजन के स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पे आते हैं, जैसे फार फ्लंग बेल्ट से, रजौरी, पुंछ, डोडा, तो वहाँ वो बच्चों में कुछ ना कुछ कमी रह जाती है कि वो जानते हुए भी अच्छे तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाते जो कुछ वो कहना चाहते हैं। और प्रोस्पेक्टिव टीचर्स भी हैं, तो अपने जो भी कोई आइडिया है, जो भी उनका थॉट है, उसको अच्छे तरीके से कन्वे करना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो कि हमारी रीजनल लैंग्वेज तो हिंदी है, उसमें करते हैं, लेकिन जैसे कि सारे स्कूल्स इंग्लिश मीडियम होते हैं, तो उसमें इस कोर्स से उनको एज मिलेगा ताकि वो अपना एक जो भी लेसन प्लान्स हैं, जो भी उनका जो कोर्स कंटेंट्स है, उसको वो प्रॉपर तरीके से और बेटर तरीके से परफॉर्मेंस वाइज जो है उनमें बहुत ज़्यादा वो डेवलपमेंट आएगी। और आई होप, क्योंकि बच्चों में जो एंथुजियाज्म बहुत ज़्यादा देखा गया है, वो बार बार हमें फोर्स कर रहे थे कि इस कोर्स को जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए, तो उन्हीं की ही डिमांड पे हम ये कोर्स जो है यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। ये बेसिकली 10 डेज़ का बेसिक इंग्लिश फॉर एम्प्लॉयबिलिटी कोर्स है और ये बच्चों की डिमांड पे ही हमने स्टार्ट करवाया था। हमारी कंट्री में दरअसल प्रॉब्लम ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज को एज अ स्किल नहीं पढ़ाया जाता है, एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। इसीलिए डिस्पाइट लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज फॉर 12 ईयर्स इन स्कूल्स एंड देन 3 ईयर्स इन कॉलेजेस, स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू इवन राइट यू नो अ बेसिक एप्लीकेशन। इट्स बिकॉज वी आर नॉट टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज एज अ स्किल, वी आर यूजिंग इट और टीचिंग इट एज लिटरेचर, पोइट्री और प्रोज। सो उससे वो पर्पस सॉल्व नहीं होता। तो इसीलिए हम चाह रहे थे कि एक तो बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो, वो अपने आप को प्रेजेंट कर पाएँ, इंटरव्यू कैसे फेस करना है, इंटरेक्ट कैसे करना है, परसुएसिव लैंग्वेज कैसे यूज़ करनी है, तो इन सब के लिए आज हमने और लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग स्किल्स अपनी कैसे डेवलप करनी है और किस फोकस के साथ डेवलप करनी है, उसके लिए हमने ये NSDC का अप्रूव्ड स्किल कोर्स जो है स्टार्ट किया है। एंड वी आर श्योर दैट वी आर गोइंग टू हैव अ वेरी गुड आउटकम, और हमने स्टूडेंट्स की डिमांड पे ये स्टार्ट किया है।